Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and NHGRI with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपैथी इंडेक्स की. हाइड्रोपैथी इंडेक्स मेनली उन अमाइनो एसिड्स के लिए होता है जो कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक पार्ट बना रही होती है, जो कि बाईलेयर में इंसर्टेड पोर्शन होता है किसी भी प्रोटीन का, किसी भी इंटीग्रेटेड प्रोटीन का. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन, दैट वन इज पेरिफेरल, अनदर वन इज इंटीग्रेटेड. पेरिफेरल तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पोलर हेड से ही एनी हाउ अटैच रहेंगी एंड दे मस्ट कंटेन द पोलर अमाइनो एसिड चार्ज और चार्ज अमाइनो एसिड. That is also called as hydrophilic amino acid. जबकि inserted वाला जो portion होगा, जो membrane के अंदर रहेगा, that one is called as the hydrophilic. That one is made up with the hydrophobic amino acid, non-polar amino acid या uncharged amino acids का रहेगा. ठीक है. अब अगर मान लीजिए आपको ये practical perform करते हैं, जैसे कि bacterial isolation तो almost सभी लोग करते हैं graduation और post graduation level तक. तो वहाँ पे हमारा main motto, because DNA होता है, DNA isolation के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं. तो मेम्ब्रेन की लिपिड का क्या हुआ, प्रोटीन का क्या हुआ, ये किसी का ध्यान ही नहीं जाता है ना. ये आप अपना एक इंटरेस्टिंग अपना एक सब टॉपिक या सब ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं कि भाई हाइड्रोपैथिक इंडेक्स डिटरमिनेशन. तो उसमें क्या करेंगे कि डीएनए वगैरह तो ठीक है, आइसोलेट कर ही लेंगे सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोसेस से फर्दर. आप मेम्ब्रेन जो आपका पहले स्टेप में जो आया है, आप SDS या किसी और नॉन आयनिक या आयनिक डिटर्जेंट से आप जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, लिपिड एंड मेम्ब्रेन टोटली रप्चर हो जाती है. लिपिड अलग हो गया, आपका प्रोटीन अलग हो गया. तो हाइड्रोपैथी इंडेक्स में उस प्रोटीन को आप आइसोलेट करेंगे. आइसोलेट कर लिया है आपने, ले लिया उस डिग्रेड करने के बाद आइसोलेट कर लिया है. आइसोलेशन के बाद उस प्रोटीन की स्टडी करने के लिए आप उसका सीक्वेंसिंग करेंगे. बराबर. सीक्वेंसिंग करने के बाद क्या पता चलता है कि देयर आर सम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक और पोलर अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर, सॉरी हाइड्रोफिलिक एंड पोलर अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से एक चेन बना हुआ है. बट इफ यू फाइंड देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ और कंटिन्यूअसली अगर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रेच मिलता है जिसमें कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है 20 से 30 तक की काउंटिंग में, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये अगर कंटिन्यूअसली हाइड्रोफोबिक है तो ये हो सकता है कि हमारे मेम्ब्रेन में इंसर्टेड वाला पार्ट हो, है ना. बिल्कुल यही होगा और ये एक प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं कि इट इज द एक्चुअली पार्ट दैट फॉर्म द इंसर्टेड पोर्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोटीन. नाउ दिस कैन बी कंफर्म विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी और हाइड्रोपैथी इंडेक्स. हाइड्रोपैथी इंडेक्स मेनली डील्स विद द डेल्टा जी ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ योर टेस्ट सैंपल. नाउ डेल्टा जी की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, डेल्टा जी हमारे जैसे आप ये अमाइनो एसिड आपको मिले, आपने इनको वाटर में डिजोल्व करना शुरू करोगे. वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा कि जो पोलर और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे दे कैन इजिली लाइक सॉल्वेशन, उनके सॉल्वेशन एनर्जी जो होगी उनकी नेगेटिव होगी बिकॉज दे कैन इजिली और फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल. वहीं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी होगा वो होगा पॉजिटिव किस तरफ होगा, क्योंकि इट कैन नॉट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल. तो उसका जो एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के लिए, वही नेगेटिव होगा फिलिक के लिए और पोलर अमाइनो एसिड्स के लिए, है ना. ये बिल्कुल भी सिद्धांत सुने हुए, मतलब जब मैं स्टार्टिंग साइंस शुरू किया था बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था कि जितना नेगेटिव है उतना स्टेबल होगा. हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट काइंड ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज दिस. बट एक्चुअली यही सिद्धांत है और गिब्स फ्री एनर्जी के आसपास ही मुझे लगता है पूरी बायोलॉजी एंड पूरी साइंस घूमती रहती है कि जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना ही सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा. ये चीज ही हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह में भी ड्रग डिस्कवरी जो कि यूज करते हैं, एक टूल होता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, उसमें भी हम ये डेल्टा जी को ही कैलकुलेट करते रहते हैं कि जितना नेगेटिव आएगा ना उतना अच्छा वाला इंटरेक्शन होगा.
ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिद्धांत आ रहा है कि डेल्टा जी होगा दैट मींस पोलर अमाइनो एसिड, तो वो तो इंटीग्रेटेड पोर्शन बनाएगा नहीं, और पॉजिटिव आ रहा है तो ये जरूर हमारे इंटीग्रेटेड पोर्शन बनाने में मदद कर रहे होंगे। तो देखिए, एक तो फैक्टर हमें यही पता चला हाइड्रोपैथी इंडेक्स में मिली, हम यही चेक करते हैं। दूसरा, 20 से 30 अगर कंटिन्यूस आपको मिलते हैं तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे मेम्ब्रेन में बायलेयर में इंसर्टेड फॉर्म में यही वाले अमाइनो एसिड होंगे। अब देखिए क्या दो तीन चीजें और हैं इससे रिलेटेड। देखिए अल्फा हेलिक्स, क्योंकि जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि बायलेयर में पाया जाता है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में ही पाया जाता है, और हमें मालूम है कि अल्फा हेलिक्स में दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड थिकनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर बायोमेम्ब्रेन दैट इज मेड अप विद द फॉस्फोलिपिड मेनली, उसका होता है थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम। जबकि उससे थोड़ी मोटी बायोमेम्ब्रेन की बात करें जिसमें कि स्फिंगोलिपिड भी आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 45 एंगस्ट्रॉम से लेके 55 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, ठीक है। अब इस तरह से इन दो चीजों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विद इन अ बायोमेम्ब्रेन। अगर बायोमेम्ब्रेन हमारे पास थिक वाली है तो जिसका की थिकनेस था 45 से 55 एंगस्ट्रॉम, तो हम कह सकते हैं कि भाई 45 बटे 1.5 दैट इज 1.5 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव आपके अमाइनो एसिड और रेसिड्यू। सो व्हेन वी डिवाइड दिस 1.5 विद 45 इट कम्स अराउंड 30। वही अगर हम बात करें थोड़ी सी थिन जो फॉस्फोलिपिड बैरियर थी उसकी मोटाई के साथ में 35 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अमाइनो एसिड रेसिड्यू, देन इट कम्स अराउंड 20। सो वी कैन से दैट this portion, the integrated portion of protein consists amino acid residue from 20 to 30, isn't it? 20 to 30. So, being a part of this portion, two things are necessary. One, कि भाई consecutively और continuously आप hydrophobic amino acid जो आपने protein निकाली थी, उसमें 20 से 30 की काउंटिंग में हो, मतलब 20 से 30 तक कंटिन्यूअसली हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हो। दूसरा, हाइड्रोपैथिक इंडेक्स के द्वारा हमें उसका डेल्टा जी पता चल जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी पता चलते ही हम ये प्लॉट बनाएंगे जिसमें कि यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है ग्लूट वन, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे एरिथ्रोसाइट में, या फिर एनायन एक्सचेंजर वन भी एग्जैक्ट सेम ही होता है क्योंकि वो भी 12 बार मेम्ब्रेन को पास करता है, तो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया है। ये हाइड्रोपैथी इंडेक्स है, ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे रेसिड्यू शो कर रहा है, एंड जो यहाँ पे सेंटर जीरो से नीचे वाले वैल्यू जो होंगे अमाइनो जो माइनस वैल्यू शो कर रहे होंगे वो होंगे पोलर अमाइनो एसिड्स, ऊपर वाले होंगे वो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 12 टाइम वो मेम्ब्रेन को इस तरह से पास कर रहा होगा, ग्लूट वन या एनायन एक्सचेंज वन। एनायन एक्सचेंज वन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो अगेन हमारे वही हमारे आरबीसी में पाया जाएगा स्वाभाविक है, दैट इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, है ना, जो कि CO2 रिलीज करने में इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है इस ट्रांसपोर्टर का, तो वो यही इसी टाइप की मेम्ब्रेन होती है और उसका हाइड्रोपैथी इंडेक्स कुछ इसी तरह से प्लॉट करने को कहें कोई एग्जाम में तो ये इसी तरह से बनता है। ग्लूट वन का भी सेम होता है और AE1 का भी सेम होता है, ठीक है। तो आई होप कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स से रिलेटेड दो आपको फैक्टर बहुत इजीली दिमाग में बस गए होंगे, एक तो यही कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और नॉन पोलर अमाइनो एसिड और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड शुड बी 20 to 30, और वहीं उनका डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दो चीजें हमेशा याद रखिए। इसी तरह से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई थिंक नेट में या गेट में एक क्वेश्चन आया था, हाइड्रोपैथी इंडेक्स से ही रिलेटेड था वो। उसमें क्या था, इस तरह से एक डायग्राम दे दिया गया था आपको जिसमें ये थे रेसिड्यू नंबर और यहाँ पे था एच आई, ठीक है, और ये क्या कहा उन्होंने कि देखिए देयर इज अ प्रोटीन का एक था
अब उन्होंने क्या कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ प्रोटीन. ऑप्शन में दे दिया दैट इट इज नंबर ए इज 2, नंबर बी में दे दिया 4 है भाई, नंबर सी में दे दिया 0, नंबर डी में कहा 5 है. बट कई लोगों ने सोच के कि भाई ऊपर जा तो रहा है, प्लस की साइड में है तो ये 0 प्लस की साइड में है और ये जो है माइनस की साइड में 1 2, तो लोगों ने क्या किया गलती से 1 2 3 4 कैलकुलेट करके 4 पे टिक लगा दिया, जबकि ये हो गया उनका रॉन्ग. क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ. देखिए 0 अगर हम ये देखें 30, ठीक है 30, और ये हो गया 40 और 50 60 और ये है 70 80 90 और ये मान लीजिए अप टू 120, ठीक है. अगर आपका ये तो ये हुआ 110, ठीक है. तो अब ये देखिए यहां जो आपका नंबर ऑफ रेसिड्यूज होंगे वो कितने होंगे, तकरीबन आपके 10 या 8 है ना, और जबकि यहां से लेके यहां तक ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30 है. सेम कहानी यहां बन रही है, यहां भी 10 से 12 के बीच में चली 12 अमीनो एसिड है, और यहां पे जो है मामला वो तकरीबन अगर ये इसको हम थोड़ा यहां शिफ्ट कर दें 90 को, तो ये तकरीबन 30 अमीनो एसिड का बन रहा है, क्या कह लीजिए 20 से 25 अमीनो एसिड रेसिड्यू का तो बन ही रहा है ना. तो क्या ये हमारे इस कंडीशन को फुलफिल करता है ए पोर्शन? नहीं. बी करता है? हाँ जी करता है. सी वाला टिक करता है? नहीं. डी कर रहा है? जी हाँ कर रहा है. तो आइडियली इसका आंसर होना चाहिए ए, ठीक है. तो हैप्पीज़र्ड में आके अगर इसे दोबारा आपके एग्जाम क्वेश्चन आ जाए ना कि ये आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया गया और ये कुछ पीक्स हो, तो छोटी पीक पे हमेशा ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ रेसिड्यू को कितने फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है. ये आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें, तभी जाके ऑप्शंस को क्लियरली देख के उसको टिक लगाए, ना कि जल्दबाजी में कि हाँ काउंट कर लिया ऊपर कितने हैं पॉजिटिव वैल्यू में और हम उसको लगा दें. इतना इजी होता नहीं क्योंकि क्वेश्चन कोई भी, ठीक है. तो आज का मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट सब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अच्छे कमेंट्स हो बुरे कमेंट्स हो एज पर माय परफॉर्मेंस तो प्लीज उसको मेंशन जरूर करें. आई एम वेरी वेलकमिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स. चलिए बाकी तो ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एट योर होम. मिलते हैं एक अच्छे से लेक्चर के साथ में. बाय बाय.